श्रीनिवासन जी ये बयान मैं इसकी निंदा करता हूँ कि इस तरह का बयान कभी भी नहीं देना चाहिए और वो सामाजिक जीवन में है सामाजिक जीवन के साथ साथ सरकार के बहुत ज़िम्मेवारी का पद भी ग्रहण कर रहे हैं और इस तरह की अभाद्र भाषा का किसी भी सब समाज में कोई स्थान नहीं ये तो सरकार को डिसीजन लेना है कि उनको उनके साथ कैसे बात करनी है क्या उनके साथ एक्शन लेना उस पर मैं नहीं कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ सरकार का विशेष अधिकार है तो करें लेकिन इस तरह से जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है या जिस तरह के उनके बेटे ने जो जिस तरह से गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ाई और वो वीडियो सबके सामने आया उस पर कानून अपना काम कर रहा है नहीं बहुत नरेश तो जी मैं सबसे पहले आपको एटलीस्ट इतना तो कॉम्प्लीमेंट करता हूं कि आपने आके हालांकि आप भाजपा के सदस्य हैं आपने आके एटलीस्ट इस कमेंट को कंडेम किया है जो इन्होंने कहा है लेकिन द फैक्ट इज कि सरकार और भाजपा की तरफ से कोई कॉन्डमनेशन नहीं आया है नंबर वन नंबर टू सबसे बड़ी बात ये व्यक्ति अभी भी मंत्री बने हुए हैं जबकि उनका बेटा एक मर्डर के उसमें प्राइम एक्यूज है नहीं श्रीनिवास जी मेरा कहना यह है कि कानून आ, ये केस अदालत में है वहां से जो भी फैसला होगा ट्रायल चलेगा वो उसका विषय है लेकिन नहीं, नहीं, किसी भी किसी भी आदमी को मंत्री रहते हुए या मंत्री ना भी हो केवल सामाजिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति को इस तरह की अभद्र भाषा तो... तो खैर भाषा तो एक बार तो कभी माफ नहीं करता वो uh,